अरे राम राम पाची लाल भैया राम राम अरे इतनी ढेर सारी खाद कहाँ से ले आए खाद की पूछते हो ये तो अपने ने तैयार की है भैया केचुए से बनी खाद के बारे में सुना तो जरूर था पर विश्वास नहीं हुआ <laughs> पर आज केचुए से बनी खाद देख करके विश्वास हो गया पर भैया ये खाद आई कहाँ से आती कहाँ से मैंने खुद तैयार की है ये मोहन जी की मदद से पाची भैया हमें भी मोहन जी के पास ले जाइए हाँ हाँ चलो हम भी केचुए से बनी खाद के बारे में सही तरीका जान लेंगे हाँ हाँ मोहनजी राम 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 पाजी भैया मोहन भाई हमारी भी राम 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 भैया राम राम मोहन जी जरा रामू भैया को भी कैचु वाली खाद के बारे में थोड़ा समझा दो हाँ हाँ अभी आता हूँ मैं हाँ भैया ये रामू मोहन भाई हमें भी इसकेचुए वाली खाद के बारे में कुछ विस्तार से बताओ ना हाँ हाँ क्यों नहीं आओ रामा भैया हाँ भैया रामा भैया ये लंबी लंबी ढेरिया देख रहे हो ना आप हाँ इन्हीं में कैंचू वाली खाद तैयार की जाती है जिसे वर्मी कंपोस्ट वर्मी कल्चर या कैंचू वाली खाद कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट वर्मी कल्चर केचुए वाली खाद क्यों मोहन जी क्या इन ढेरियों में केंचुए भरे हुए हैं हाँ रामो भैया इन ढेरियों में केचुए ही भरे हुए हैं जो खाद बनाने में लगे हुए हैं रामो भैया खाद बनाने से पहले आइए आज आपको कैंच के बारे में कुछ खास खास बातें बताएं, जैसे केचुए का रहन सहन भोजन आदतें आदि केचुआ एक खंडित कीट है विश्व में इसकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं प्रत्येक कैचुए में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं इसलिए प्रत्येक कैचुआ अंडे देता है कैंचुआ कृकोष यानी ककून में अंडे देता है क्रभिकोष एक महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसका प्रयोग प्रजनन और वृद्धि के साथ स्थानांतरण में भी होता है कैचुए जैविक पदार्थ खाते हैं इनकी संरचना में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है जैसे नमी तापक्रम और हवा आदि का प्रभाव इनकी वृद्धि पर पड़ता है प्रतिदिन एक कैचुआ तीन से पांच ग्राम भोजन करता है इसका भोजन है जैविक पदार्थ जैसे गोबर छिलके पत्तियां धान का भूसा गन्ने के छिलके वगैरह आ, तो लीजिए आज आपको मिलवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से जो आपको विस्तार से कैंच के बारे में बताएंगे आइए मैं आपको ले चलता हूँ चलिए चलिए जो केचुए आप पालना चाहते हैं जिनसे आप खाद बनाना चाहते हैं ये विशेष प्रजातियाँ हैं और इस तरह की केवल पांच से सात प्रजातियाँ आई हैं जिन्हें हम और आप पाल सकते हैं और किसान उनसे अपने खेतों के लिए अपने पेड़ पौधों के लिए अच्छी खाद बनवा सकता है की कैचवा हर तरह की चीज़ें जो आपके खेत से निकलती हैं जी। जो आपके जैसे आपके खेत से निकलती है पुआल जैसे आपके खेत से निकलती है गन्ने की सूखी पत्तियाँ या नारियल के जो है ना ऊपर के छिलके या सरसों की तूड़ी जिसको भी आप जलाते हैं जी। वो सारी चीज़ें और ठीक इसी प्रकार से जैसे आपके पशु गोबर वगैरह करते हैं जी। वो गोबर और ये सब मतलब जितना भी आपका डेयरी वेस्ट है जितना भी आपका आ, फील्ड वेस्ट है आपके खेतों का वेस्ट है उन सब को ये कैचवा खा लेता है मोटे तौर पर हम आपको कह सकते हैं कि कैचवा वो सभी पदार्थ खा लेता है जो पदार्थ प्रकृति में गल या सट जाता है ये नहीं खाता तो क्या नहीं खाता खाली आपका लोहा प्लास्टिक शीशा या कोई केमिकल तो चलिए देखते हैं कि केचुए खाद कैसे बनाते हैं केचुए में भोजन के पाचन के समय कई लाभदायक क्रियाएं होती हैं, जिसमें सड़े गले पदार्थ का पाचन और सूक्ष्म जीवों के कार्यों को एंजाइम्स द्वारा बढ़ाना बिना पचा हुआ भोजन कास्ट के रूप में बाहर निकल जाती है ये कास्ट पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो पौधों के लिए उपयोगी होती है इसके लिए चाहिए लकड़ी की टंकियां या जमीन या लकड़ी की पेटियां अवशिष्ट पदार्थ गोबर वह गोबर की खाद पुआल पत्ते तैयार वर्मी स्टार्टर केंचुए और बोरी ध्यान रहे लोहा शीशा प्लास्टिक की थैलियां अस्पतालों का अवशिष्ट कीटनाशक दवाओं के डब्बे वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इनसे कैचुएं मर भी सकते हैं राहुल भैया शुरू कीजिए दस हजार कैचुए से सबसे पहले कोई छायादार जगह चुने या झोंपड़ी की छत सी बना लें नीचे की जगह एकसार कर लें कहीं कोई कंकड़ पत्थर वगैरह न रह जाए मिट्टी को अच्छी तरह समतल कर लें यह भी ध्यान रहे कि जो जगह चुनी है वहां पानी न भरता हो अगर पानी भरता होगा तो बजाय कैचुआ पालन के मछली पालन हो जाएगा इसके बाद मिट्टी पर पानी का छिड़काव करें कैचुओं को बढ़ने के लिए नमी बहुत आवश्यक है अब नम जमीन पर पुआल की एक परत बिछा दें। ये परत तीन फुट से अधिक चौड़ी ना हो इस परत पर पानी का हल्का छिड़काव करें ताकि पुआल में भी नमी बनी रहे अब इस पर गोबर की एक से डेढ़ इंच की परत बिछाई जाएगी एक बार फिर पानी का छिड़काव ताकि इसमें भी नमी आ जाए इस परत के ऊपर हरे चौड़े पत्तों की परत बिछाई जाती है चौड़े पत्ते हो या जलकुंभी के हरे पत्ते जलकुंभी के हरे पत्तों की परत के ऊपर एक से डेढ़ का वर्मी स्टार्टर लगाएं। वर्मी स्टार्टर स्टार्टर लगाएं। द्वारा तैयार की गई खाद है ये स्टार्टर ताजा लेना चाहिए ताकि इसके अंदर केंचुओं के अंडे व ककूंस हो इसके ऊपर पुनः गोबर की खाद की एक पतली परत लगभग एक या डेढ़ इंच की बिछा दें। इस पर फिर से पानी का छिड़काव करें और अब इसमें केंचुए डालें इस पंक्ति में, में लगभग दस हजार केंचुए डाले गए हैं इसी तरह एक और परत बिछाएं और पानी का छिड़काव करें इसको बोरियों से ढक दें और इन पर पानी का छिड़काव करें बोरी बिछाने के दो कारण हैं पक्षियों से केंचुओ की रक्षा और नमी तथा उचित तापमान का बना रहना बन रामू भैया अच्छा रहेगा समय समय पर मिश्रण को पलटते रहें जिससे कि जैविक पदार्थ कंपोस्ट में 60-70 दिन के अंदर परिवर्तित हो जाए जी इसमें किस मौसम में कितनी बार छिड़काव करनी चाहिए रामा भैया गर्मियों के मौसम में दिन में दो तीन बार सर्दियों के मौसम में दिन में एक बार और बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि नमी बनी रहे कंपोस्ट जब अच्छी तरह तैयार हो जाए तब उसे एक छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें सूख जाने पर इन्हें बोरियों में भर लें अब वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है वर्मी कंपोस्ट की प्रयोग की विधि भी समझ लें खेतों में प्रयोग इस प्रकार है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की देसी खाद बराबर मात्रा में मिलाएं मिश्रण को मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें प्रथम वर्ष एक एकड़ में दो टन दूसरे वर्ष एक टन तीसरे वर्ष आधा टन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए अर्थात प्रति वर्ष कंपोस्ट की मात्रा आधी होती जाती है बागवानी में प्रयोग इस प्रकार है पौधे के तने के चारों ओर भूमि तल पर आलवाल बनाए आलवाल के अंदर पांच से छह स्थानों पर लगभग 6 से 12 इंच गहरे गड्ढे बनाए वर्मी कंपोस्ट और गोबर की देसी खाद बराबर मात्रा में मिलाएं। गड्ढों में दो से पांच किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इस मिश्रण को भर दें भैया वर्मी कंपोस्ट बनाने को व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं आप लोग हाँ मोहन भैया लागत भी कम है फायदा भी ज्यादा है और भी बहुत है ये तो वो बात हो गई कि आम क्या आम और गुटी